हेलो जी, राम राम। स्वागत है आपका फिर से एक और न्यू व्लॉग में। तो गाइज, आज सुबह मैं जल्दी उठी थी और जल्दी उठ के तो फटाफट तक काम बढ़ जाए। जल्दी उठने के बहुत सारे फायदे हैं। एक तो मैंने सूट सिला, सिंपल सोबर सुंदर डिजाइन है ना इस कुर्ती का, ऊपर से ये वाला डिजाइन, और इसकी बाजू प्लेन थी तो मैंने ये व्हाइट कलर की लेस लगा दी। पीछे बैक प्लेट डालनी है, अभी तुरपाई नहीं हुई है, तुरपाई बाकी है। और इसकी बनाई है पैंट। तो आज मैंने सुबह जल्दी उठने का ये फायदा है, मैंने एक सूट कंप्लीट कर दिया अस्तर वाला। पैंट तो मैंने इसकी सिंपल ही रखी है। और ये पेटीकोट थोड़ा सा ज़्यादा चौड़ाई में था तो इसकी लेंथ कम करी है और इसका चौड़ाई कम करी है। जितनी भी कली थी उनमें एक्स्ट्रा सिलाई लगा के दबा दिया तो इसकी चौड़ाई कम होगी। तो सुबह का मैंने यो काम करा है। उसके बाद मैंने दो सूट धोए मेरे, काम करा, रोटी सब्जी बनाई। आज आंधी बहुत तेज चल रहा है, सुबह की फुल तेज हवा चल रही है। और दो तीन सूट इंटरलॉक करे, और एक कुर्ती और कॉटन की दिखाऊं मैं आपने। इस कुर्ती का नीचे बनाई है अफगानी सलवार, और ये कुर्ती मैंने ए शेप में बनाई है। इसका गला का ये डिजाइन है, गला की तुरपाई नहीं हुई है, ये पट्टी अभी तक इसकी। गला का ये वाला डिजाइन है, पोटली बटन वाला। और बाजू में यहाँ इसका जोड़ आना था तो मैंने इस तरह का ये डिजाइन दे दिया, बीच में इसका बॉर्डर दे दिया और गोटा पत्ती, ये गोटा लगा दिया दोनों साइड, तो डिजाइन सा बन गया। और ए शेप में मैंने यह कुर्ती तैयार करी है। आजकल ए शेप का फिर से फैशन चला हुआ है तो पहनने के बाद अच्छी लगेगी। और जो नेक का डिजाइन बच गया वो मैंने थोड़ा सा यहाँ पर दे दिया पोटली बटन का घेरे पे। तो ये काम करा है मैंने आज। और फिर मैं थोड़ी देर खाना खा के ना के लेट गई, आलसी से दिन हो रहा है तो ज्यादा काम करने का मन भी नहीं करा। और ईद में करूंगी अस्तर प्रेस, अस्तर धो के रख रखे हैं, अस्तर प्रेस करूंगी और इनके साथ का सूट भी कटिंग करूंगी। ये अस्तर ना बहुत पानी में 3-4 घंटे, 2-3 घंटे तो कम से कम डबो के रखना पड़े हैं, जल जाके नहीं। एक ये सूट कटिंग करूंगी, लेमन सा कलर है इस सूट का, नीचे इस तरह का डिजाइन है, पूरे में वाइट कलर की लेस लाग रही है। और सेम कलर की इसकी पैंट बनाऊंगी, और एक इस सूट का अस्तर धोया है, इसमें भी वाइट कलर का ये वर्क है, इसमें इस टाइप का वर्क है। और एक ग्रीन कलर का ये वाला, इस सूट का सुंदर डिजाइन है। ये इसका नेक है और ये इसका नीचे का पूरे में नलकी वर्क और सितारी वर्क है, और नीचे ये इसका बॉर्डर दे रखा है। कलर भी अच्छा है इसका, सुंदर कलर है। तो ये तीन सूट आज मैं कटिंग करूंगी। पिंक पैंट का ये डिजाइन बनाया है, मोरी पे नीचे ऑर्गेंजा का कपड़ा लगा दिया और ये कट वर्क करके इस तरह से, और यहाँ पे ना मोती भी लगा सका, बीच बीच में जहाँ भी कट वर्क है यहाँ मोती लगा सका सफेद कलर का, पर मैंने इसमें इसलिए नहीं लगाया, इसमें सफेद कलर की कढ़ाई थी, नहीं और कलर की कढ़ाई है इसमें।
देखो दिखाऊं कैसे कलर की है। ऐसे कलर की कढ़ाई है इस पिंक कलर सूट में। ज्यादातर सूट ऑर्गेंजा में आए हुए हैं। और इसकी जो लास्टिक मैंने ऊपर डाली है वो इस तरह से डाली है, ऊपर से ये इतना प्लेन रखा है और पूरे में फिर लास्टिक ऐसे करके। तो इस टाइप की लास्टिक डालने पे पहनने में कंफर्टेबल है पैंट। और एक साइड पॉकेट लगाई है यहाँ पर। प्रेस नहीं हुई है अभी लग। और एक मैंने अस्तर कर दिया प्रेस, सूट दो प्रेस कर दिया, एक तो यो वाला एक यो वाला, और इसकी सलवार भी अस्तर भी पैंट भी सारी चीज प्रेस कर दी। तो इब ला गई थोड़ी सी भूख, पहले कर लेते हैं थोड़ी पेट पूजा, उसके बाद इन्हें कटिंग करूंगी। तो प्रेस करने में भी घना ही टाइम लग जाए। और ये ऑर्गेंजा के इसे सूट हैं जो ईब कटिंग करके रख दिए ना, तो ईब के ईब सीम लूंगी तो ठीक है, जब काल ही ना सीमूंगी तो इनमें फिर तय सी क्रीज सी जम जाए, तो फिर प्रेस मार के फिर सिलना पड़े है। तो ये ऑर्गेंजा का कपड़ा ईसा है, ईब पपीता काटूंगी, भूख लग गई तो ईब ये पपीता कटिंग करूंगी फिर खाएंगे। और इतनी तो मैंने काट ली, या कच्ची कच्ची रह गई भी इसका के करूं, या तो मीठी है कोनी कांटे ले दो। नमक डाल दिया, गणी खास मीठी पपीता नहीं आई आज तक। और ये मार दो चूजे, की काट ले। मैं काट लाई पपीता। और ये देखो बेड के ऊपर धूप आ गया है खिड़की में ते। तो गाय जी बज गया 5:30 और मन्ने चाय पीने का मन करा तो चाय बना ली। तो गई 5:30 बज गया, मैंने चाय ना पी थी लग, तो मखा पहले चाय पी लूं पाँच चाय फिर और काम करूंगी। तो ये चाय पीऊंगी, एक मैंने गूंद का लड्डू खा लिया, भूख लग गई थी, भूख खत्म ही ना हुई, पपीता थोड़ी ये खाने मिली, सेब सारा खराब ही निकल गया था, छोटा सा अनार खाया था ये हो गया था मैंने छोड़ दिया। और ये मैंने थोड़ी सी नमकीन ली है, छोटा सा लड्डू खाया है, आजकल भूख कुछ ज्यादा ही लग गया है। और चाय बनाई है और पी के उसके बाद फिर मैं सूट सी लूंगी। बर्तन भी पड़े हैं, चिन्नू ने बाद में रोटी खाई थी तो उसकी थाली पड़ी है, और बर्तन तो फिर मैं बाद में इकट्ठा ही साफ करूंगी, शाम का टाइम जब रसोई में घुसूंगी खाना वाना बनाने खातर तब। तो अभी पी लेते हैं चाय। तो गाइस ये मैंने पैरेट कलर का सूट रेडी कर दिया है, और इसका लुक आपने दिखा दूं। कलर बहुत अच्छा लगा इस सूट का, ये इसका नेक, और नेक बिल्कुल करीब थे जो ये मोती है ना इनके बिल्कुल पास के सिलाई लगा के फिर तैयार कराया है। अंदर जो पट्टी लगाई है सिंपल ही पट्टी लगाई है, और फिनिशिंग के साथ पट्टी लगाई है, ऐसे नहीं है कि ये देखो फिनिशिंग बिल्कुल। और मैंने इसका ना साथ की साथ तुरपाई कर दी, क्योंकि सिलाई तो इस पर लगनी नहीं थी, इतना सारा काम है, सिलाई लगाते तो सारे मोती टूट जाते, तो इसके ऊपर या तो सुई तय साथ की साथ काम कर लें, या फिर कच्चा लगाना हो तो भी सुई तय, नहीं तो फिर तुरपाई ये कर लिया। और जो पीछे का गला बनाया है वो भी बुकरम का गला बनाया है, और ये इसकी प्यारी सी लटकन बनाई है, या लैस बच गई थी थोड़ी सी जोड़ी में, तो जो एक्स्ट्रा हुआ है आगे का पार्ट में यहाँ लगी हुआ है,
यहाँ तक बच गई थी, तो ये मैंने लटकन में यूज कर दी और साथ में ये गोटा लगा दिया। तो आजकल लटकन का कुछ ज्यादा ही फैशन चला हुआ है। और बैक प्लेट पीछे भी डाली है, ये आप देख सको हो, इसकी बैक से फिनिशिंग फिटिंग एकदम प्रॉपर। और इन सूटों में एक खास बात है, ऑर्गेंजा के महंगे सूट भी देख लिए, सस्ते भी देख लिए, ज्यादातर में बाजू प्लेन आवे हैं। तो इस बाजू के ऊपर भी गोटे की लाइन लगा दी ताकि बाजू सिंपल ना लगे। और अस्तर भी लगाया है इस बाजू में। और ये देखो आगे तो इसकी लेंथ मैंने किस तरह तक कवर करी है। ऊपर तो इसका गला हो गया, नीचे इसका बॉर्डर था इस प्रकार। तो मैंने के काम करा है, यहाँ तक इसने ऐसे ऊपर उठाया और ऐसे के ऐसे सिलाई लगा दी। सिलाई लगाने के बाद ये गोटा ऊपर लगा दिया तो सिलाई भी नज़र नहीं आएगी। और ये गोटा लगने के बाद थोड़ा सा डिजाइन भी इसका चेंज होगा। ये देखो कपड़ा अंदर ऐसे के ऐसे छोड़ रखा है, कटिंग नहीं कराया है। बाद में अगर लंबाई बढ़ानी हो तो भी काम में आए जा है। तो ये पूरा वर्क का भरा हुआ था, इसमें थोड़ा टाइम तो एक्स्ट्रा लग जा है। ये मोती हो है ना तो काम करने में टाइम लग जा है। बाकी यहाँ तक घेरा मैंने थोड़ा थोड़ा फोल्ड करा को नहीं, ये सारे मोती टूट जाते तो ये सुई तो ही काम करना पड़ेगा इसका। और इसकी प्यारी सी सुंदर सी अफगानी सलवार बनाऊंगी। तो ये कलर और कंट्रास्ट सिल्वर के साथ मेरे को तो बहुत अच्छा लगा। आप बताइए आपने कैसा लगा। ये कुर्ती तैयार करी है, इन छोटे छोटे काम हम गणाए टाइम लग जा है। गोटा लगाना, लटकन बनानी, इन चीजा में ज्यादा टाइम लगा है। जितना छोटा काम हो उतना ज्यादा टाइम लगा है। डोरी पलटन में इब लटकन बनाई है छोटी छोटी चीजा में, इनमें गोटा लगाया फिर लैस लगाई, तो इन चीजा में ज्यादा टाइम लग जा है स्टिच करने में। तो अफगानी सलवार इसकी मैं काल दिखाऊंगी, काल बनाऊंगी। अभी तो हो गया रोटियां का टाइम, तो ईद में बनाऊंगी रोटी। और आज का व्लॉग बस यहीं तक था, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।